आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पानसिमल पुलिस विभाग ने तत्परता से कार्य करते हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। पोता ही निकला दादा का कातिल। पानसिमल पुलिस थाना अंतर्गत रायखेड़ कलियुगी पोते ने जमीनी विवाद में दादा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सतर्कता से आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर आरोपी ने गुनाह कबूला। जांच में एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला, एसडीओपी श्री बघेल के मार्गदर्शन में अनुसंधान करते हुए आरोपी को पकड़ा और न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली। जांच के दौरान पुलिस विभाग थाना प्रभारी लाखन सिंह बघेल, कार्यवाहक उप निरीक्षक जगदीश भाल से, सहायक उप निरीक्षक के एस सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक कार्यवाहक राजेंद्र अटोंडे, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक संतोष, आरक्षक पप्पू सिंह, आरक्षक अमर सिंह, आरक्षक सुरेश, आरक्षक कन सिंह सहित अन्य कर्मचारियों का सराहनीय कार्य रहा। पानसिमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। दिनांक 25/1/2022 को देवनिया पटेल, जो करीब 80 साल की उम्र का है, अपने घर से मनकुई से मतलब रायखेड़ से मनकुई अपनी लड़की के यहाँ जा रहा था। रास्ते में एक सूखा तालाब पड़ता है, वहाँ पर उसी का पोता, देवनिया का पोता गोविंद बारेला ने मौका पाकर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी है। मृतक की 1.5 एकड़ जमीन है, उस उक्त जमीन को वो अपने नाम से कराना चाहता था, लेकिन मृतक देवनिया उसके नाम से जमीन नहीं कर रहा था। इसी रंजिश की वजह से उसकी हत्या की है और सूखे तालाब में फेंक दिया है, जिससे मर्ग दिनांक 26 तारीख को मर्ग का कायम किया गया और तत्काल पुलिस मौके पहुंची और पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर सूत्र सूचना से अज्ञात आरोपी का पता लगाकर आज आरोपी गोविंद पिता गंगाराम बारेला को गिरफ्तार किया है और उसमें विधि संगत कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधान जारी है। सर, वो परिवार का ही व्यक्ति है और उसकी उम्र क्या है? आरोपी की उम्र करीबन 26 साल है और मृतक की उम्र 80 साल की है। सर, परिवार का ही आरोपी? परिवार का आरोपी है, पोता है। मृतक की 1.5 एकड़ जमीन है, वो उसके नाम से नहीं कराना चाहता था उसके 1.5 एकड़ जमीन, उसी जमीन की लालच में उसकी हत्या की है। सर, आरोपी अकेला था या? आरोपी